हेलो ए केस, हाँ जी कांटेक्ट में कॉल करने का तेरे को बहुत शौक है क्या? जी लोगों के कांटेक्ट में कॉल करने का तेरे को मजा आता है बहुत? कांटेक्ट किसने किया था? में कॉल कर लेना, करना कांटेक्ट में कॉल लोगों के। वो नहीं बताइए किसने किया? छोड़ दे किसने किया, तेरा नंबर मुझे मिला है। देख भाई अच्छा अच्छे से बोल रहा हूँ, समझ जा, ये जी काम जो आप लोग कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। सर आपका पेमेंट बाकी है, मैं मानता हूँ उस चीज को लेके। आप जी अपना काम करो, जो उन्होंने रेफरेंस में दिए उनको कॉल करो, अगर नहीं देते तो कंपनी को बोलो एक्शन लेने के लिए। बहुत सारी तो कंपनी बंद हो रही है, रिकवरी एजेंट पे गाज गिर रही है। ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे घर के हो, आप लोग फंसो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? नहीं सही बात, आपकी बिल्कुल सही बात सर। तो आपको चाहिए तो मैं पैसा देता हूँ, लेकिन आपकी कंपनी का एड्रेस दो। मेरी पावर क्या है ना, मैं दिखा सकता हूँ सही बात, आपको। पैसा मैं देता हूँ, आपका नाम नहीं आएगा। आपकी कंपनी का एड्रेस दो, आधे घंटे के अंदर आपके ऑफिस जहां भी रहेगी वहां पे लोग पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं। हाँ दोगे मुझे एड्रेस? जी मुझे आपका पक्का एड्रेस दोगे? हाँ लिखिए, बोलिए। दिल्ली दिल्ली लिखिए, दिल्ली उत्तम नगर फ्लोर दिल्ली उत्तम नंबर नगर, 747। ये जो आप प्ले स्टोर पे है वही एड्रेस है ना? जी सर नहीं, वहां पे तो लोग हैं, लेकिन वहां पे कुछ मिला नहीं लोगों को। क्या नहीं मिला सर? पक्का है वहां पे एड्रेस? क्योंकि लोग गए थे तो मिला नहीं था, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक नहीं, इसमें क्यों तो वो मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, ऐसी तो नहीं बात है कोई। है, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से पता करवाता हूँ फिर से एक बार। देखिए आप अपना सर काम कीजिए, इसमें आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करना आपको राइट्स नहीं है अभी भी। नहीं सर हमने अगर किया हो तो बताइए आप। नहीं ठीक बात है, है, आपने नहीं किया किया अगर ना? किया हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखी हो कि कॉन्टेक्ट पे कर दिया है तो आप बताइए, हमें हम आपका सोल्यूशन करेंगे। नहीं चलेगा चलेगा, चलो ओके सर, हाँ, थैंक यू एंड सॉरी। हाँ वो कस्टमर जिसने पैसा लिया सर उसको एक बार इन्फॉर्म करना हमारा, देखो नहीं नहीं ये नहीं चीज़ बिल्कुल इन्फॉर्म ये कीजिए, हमने बिल्कुल पैसा करना लिया चाहिए इन्फॉर्म। नहीं। अब हमने किसी को फोर्स तो कर रहे हैं, अभी आप पैसा दो आज ही दो, आपसे जब एडजस्ट हो जाए तब दे देना, आप EMI में कर लो है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात है, और हम किसी को फोर्स नहीं कहते, अभी उसको टारगेट कर लिया तो फोर्स करके उसको टारगेट करो, नहीं वो उनकी मर्जी है भाई। नहीं पैसा उन्होंने लिया है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है वापिस देना है, बात क्या बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये आपका कितने दिन के लिए लोन है? 7 दिन, 15 दिन, 14 दिन? बिल्कुल। हाँ तो ये लोन का कोई मान्यता तो रद्द हो गया, आपको पता है ना? तो अभी कस्टमर पेमेंट डे, देखो ये क्या होता है, एक सिक्योर लोन है, ठीक है, सही बात इसमें कोई गारंटी नहीं रहती है। ये समझो कि आपको ये रिस्क पे आप लोग की कंपनी चला रही है ये सब काम। हाँ सही बात आया तो अपना, छूट जाए तो सपना। सही बात, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ मुझे। नहीं बिल्कुल सही बात है पब्लिक ने अगर 10 लोग में, 10 लोगों ने लोन लिया, उसमें से 8 लोग पे करेंगे, 2 लोग नहीं पे करेंगे, तो आपको पैसा भूलना भी पड़ता है। आप उनके घर नहीं जा सकते हो। नहीं, थोड़ा मैं तो इसलिए थोड़ा आपको उनको जागृत किया कि भाई उन्होंने पैसा लिया है तो कम से कम उनका बिहेवियर किसी की नज़र में अच्छा रहे, उन्होंने पैसा लिया तो पैसा देना वापस है आपको ना, पता है और ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत लोग को जागरूक करता हूँ, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, कि इन लोगों को, 7 दिन वालों को, 14 दिन वालों को पेमेंट मत दो। यूट्यूब में, फेसबुक पे, सब जगह ट्रेंड चला रखा हूँ मैंने कि इनको पेमेंट मत दो, और आप बोलते हो दे दो। दोनों के विचार नहीं मिलते भाई। ठीक चलो सर आप तो कैंसिल ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है है, ऐसी कोई एक बात केस नहीं। के भी बहुत सारी कंप्लेंट है कि रिकवरी एजेंट ने, जी अभी क्या है कि बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं कि हाथ साफ करना है, ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करनी। दिल्ली में एक आई क्रेडिट की ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, पता है हुई थी ना? तो आप लोग ने भी वो वीडियो देखा रहेगा। फिर काम करने के तरीके को हम चेंज क्यों नहीं कर सकते? तो तरीका नहीं, तरीका आप मैंने उनको कुछ बोला तो यही बोला भाई, आप अगर आपने पेमेंट लिया तो आप या तो वापिस कर दीजिए है ना, अच्छा, या तो फोर्स या तो ये हमें कन्वर्ट करवा ली या फिर आप फुल पेमेंट लेकिन कर मेरा दीजिए। तो प्रिंसिपल ये कि देना ही नहीं है, अच्छा, प्रिंसिपल जब ये देना ही नहीं है। देना ही नहीं है। मैं तो पहले से इस चीज को लेके, अच्छा मैं फेब्रुआरी से ही बोल रहा हूँ लोगों को, दो मत। नहीं, ऐसी बात क्या हुई उसमें मेरा मुझे थोड़ा फोकस करके बताइए, आप देना क्यों नहीं चाहते उससे थोड़ा मुझे विस्तार में बताओ। देखिए एक बात मुझे बताइए, ये बिल्कुल होना चाहिए, आपको जानना अधिकार है, ठीक है? पहली बात तो आपका जो प्रचार होता है, प्रचार जो एडवर्टाइजिंग आती है, तो एक अमाउंट दिखाते हैं बड़ा सा,
जनरली सब कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं। टेन्योर दिखाते हैं, 1 साल, 2 साल, 365 डेज, ये टेन्योर दिखाते हैं, देते हैं 7 दिन के लिए। पहली बात तो आपको ये प्रचार करना ही नहीं चाहिए, आपको खुला खुला प्रचार करना चाहिए कि हम लोग 7 दिन के लिए देते हैं, ये पहली मिस्टेक आपकी। दूसरी मिस्टेक, ये होती है कि आप लोग की ऑफिस, बहुत लोग की ऑफिस नहीं है, हर घर से काम कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस बहुत सारे बंद हो गए। अगर आप लोग सच होते तो प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन रहती, क्यों चली गई। तीसरी बात कि अगर जो आदमी अगर पैसा नहीं दे रहा है तो आप लोग उसके सारे कॉन्टेक्ट में कॉल करके बताते हो, गाली गलौज देते हो, तो ये गलत है। इसलिए मैं ये 7 दिन वाली कंपनी, 14 दिन वाली कंपनी को मैं समर्थन नहीं देता। सर देखो, हमने अगर हमारी कंपनी से आपको किसी ने कॉल आई हो, किसी ने गालियां दी हो, तो थोड़ा बताइए हमें, ताकि हम केस के बारे में ना मैं नहीं बोलूंगा आपको, आपको पब्लिक बोल देगी। ए केस के बारे में यूट्यूब में सर्च मारिए, ऐसे आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद ढूंढोगे तो पता चल जाएगा सर। बात ये है कि जब, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी है, जब एक कंपनी उसमें आती है तो सारी कंपनियां उसमें धीरे धीरे करके इसमें जुड़ती रही, ठीक है। हाँ तो केस का स्पेशली बोल रहा हूँ, चने के साथ घुन तो पिसता ही है, पता है ना आपको, आपको ये पता है कि चने के साथ घुन पिसता ही है, बिल्कुल। और मैं ये भी चाहता हूँ कि देखो क्या होता है, कोई एजेंट ने गाली दिया रहेगा, काम छोड़ दिया रहेगा, बराबर है। नहीं, अगर गाली देना होता तो मैं यार आपसे ऐसे बात करता क्या, मैं ये बताइए आप, बिल्कुल नहीं करता, ऐसे बात करता, वही बात है सर, एक के साथ वो सभी पीसी है तभी वो जाके कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे तो विचार चेंज नहीं हो सकते, मैं तो सबको बोल दिया कि नहीं देना है इनको, तो नहीं देना है, कोई बात नहीं। तो आप भी अपना काम कीजिए, मैं अपना यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और आप भी अपना ही काम कीजिए सर, कि भले लोगों को फोन करिए, बताइए, अगर कंपनी अगर नहीं देते तो उनको कंपनी को बोले एक्शन लेने के लिए। सही बात, आप कांटेक्ट में मत कॉल कीजिए किसी के भी। नहीं नहीं, हम तो अब उनको इन्फॉर्म करें, आपको इन्फॉर्म करें, और इससे ज्यादा हम तो इतना कैसे, आप तो यार मैसेज डाल देंगे, आपको कॉल कर देंगे, आपकी पेमेंट करेंगे। जी जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या नाम आपका भाई? जी सौरभ सिंह। सौरभ सिंह, ओके भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।